दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 13 जुलाई 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज की तारीख में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को हम वन बाय वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर, जहां पर इस साल के मिड में 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच हमें एशिया कप 2023 देखने को मिलने वाला है। टूर्नामेंट का पूरा कार्यक्रम ऑलरेडी अभी से काफी टाइम पहले ही रिवील कर दिया था, लेकिन दोस्तों आज की तारीख में एशिया कप 2023 को लेकर दो तीन बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है होस्टिंग को लेकर, जहां पर भाई होस्टिंग को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन दोस्तों कल यहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग के बाद एशिया कप 2023 के रिगार्डिंग काफी सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आई, जहां पर यह आधिकारिक तौर पर कंफर्म हो चुका है कि हमें पाकिस्तान और श्रीलंका इन दोनों कंट्रीज में एशिया कप 2023 के महामुकाबले देखने को मिलेंगे। 9 महामुकाबले हमें श्रीलंका में देखने को मिलेंगे, बाकी 4 महामुकाबले हमें पाकिस्तान में देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भाई यहां पर थोड़ा सा एक वेन्यू को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार है, जिसके चलते अभी तक एशिया कप 2023 का फाइनल शेड्यूल रिवील नहीं किया गया है। हालांकि वेन्यूज के रिगार्डिंग बड़ा अपडेट यही देखने को मिला है कि भाई हमें पाकिस्तान के लाहौर के स्टेडियम में और श्रीलंका के शायद कैंडी के स्टेडियम में हमें एशिया कप 2023 के सभी महामुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है एशिया कप 2023 के शेड्यूल को लेकर, कब होगी शेड्यूल के अनाउंसमेंट सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके ऊपर भी हमें बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिली है, जहां पर यह कंफर्म कर दिया गया है कि 14 जुलाई या फिर डेफिनेटली 15 जुलाई की दोपहर हमें एशिया कप 2023 का पूरा शेड्यूल ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि शेड्यूल फिलहाल तैयार कर रखा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि शेड्यूल में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज यहां पर नहीं किया जाएगा। जिस तरह का टेंटेटिव शेड्यूल पहले इन्होंने तैयार कर रखा था, वही बिल्कुल सेम शेड्यूल यहां पर लॉन्च होता हुआ नजर आने वाला है। हालांकि जो लीग्ड शेड्यूल था उसके ऊपर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बनाकर डाल रखे, आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2024 को लेकर, जहां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, खबर निकल कर आ रही है नीतीश राणा को लेकर, जहां पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम आईपीएल 2024 के लिए अपने स्क्वाड्स में नीतीश राणा को शामिल करना चाहती है। ट्रेड के लिए उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक दो तरह की ऑफर्स भी दिए, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी ने सीधा और साफ शब्दों में ऐसा बोल दिया कि भाई हम किसी भी हालत में अपने खिलाड़ी नीतीश राणा को अपनी टीम से बाहर नहीं जाने देंगे, उनको ट्रेड नहीं करेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं यहां पर नीतीश राणा अब कोलकाता नाइट राइडर्स के एक स्पेशल खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है एशियन गेम्स 2023 को लेकर, जो हमें चाइना में एशिया कप 2023 के आसपास ही देखने को मिलने वाली है। और भाई आपको पता है एशियन गेम्स में क्रिकेट भी शामिल किया गया है, मेंस और वुमेन्स दोनों भारतीय टीमें यहां पर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी। जहां पर वुमेन्स टीम की बात करते हो भाई, जो सेम जो भारत के मेन स्क्वाड से वही यहां पर एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेंस टीम के बारे में, तो आपको बताना चाहूंगा कि भाई यहां पर एक नई नवेली टीम का ऐलान किया जाएगा, जहां पर काफी सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी शिखर धवन, रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। बाकी यंगस्टर्स को यहां पर एशियन गेम्स 2023 में खेलने का मौका मिलने वाला है। 15 जुलाई को एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय मेंस और वुमेन्स टीम का ऐलान हो जाएगा, और जैसे यहां पर फाइनल स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हो जाती है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर, जो आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले केकेआर की टीम फिलहाल काफी ज्यादा चर्चाओं में, और हाल ही में यह टीम गौतम गंभीर के साथ कॉन्टेक्ट में है। गौतम गंभीर आईपीएल 2023 के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के मेंटर के पद पर थे, लेकिन दोस्तों वो कहीं ना कहीं उस टीम से, लखनऊ टीम से वो बाहर निकलने वाले
चलने वाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसा चाहते हैं कि यह खिलाड़ी, यह दिग्गज खिलाड़ी आईपीएल 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े, जिसके चलते इन दोनों के बीच फिलहाल काफी ज्यादा डिस्कशंस, काफी ज्यादा बातचीत चल रही है। खैर दोस्तों, डील के रिगार्डिंग जैसे में किसी भी टाइप का कोई भी फर्दर अपडेट, नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है विराट कोहली को लेकर, क्या टेस्ट फॉर्मेट पर फिर से विराट कोहली हमें कैप्टनसी के पद पर देखने को मिलने वाले हैं। एमएसके प्रसाद ने ऐसा बोला कि अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन के पद से हटाकर उनको स्क्वाड से रिमूव किया जा सकता है, उसके बाद वो टीम में कम बैक करते हैं। दोबारा चिन्ह को वाइस कैप्टन बना दिया गया है, क्या ऐसा विराट कोहली के साथ हो सकता है? विराट कोहली टीम में तो है लेकिन फिलहाल कैप्टन के पद पर नहीं है, और एमएसके प्रसाद ऐसा चाहते हैं कि विराट कोहली बार फिर से हमें लॉन्ग फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की कैप्टनसी करते हुए नजर आए। तो दोस्तों ये है आज 13 जुलाई 2023 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की छोटा मस्त इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।